दीपक चौधरी नाम है मेरा पूरा। आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कैसे अभी क्या कर रहे हैं? स्कूलिंग तो मैंने सरकारी विद्यालय से किया, पास में ही चिल्ला गाँव में एक विद्यालय है सरकारी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया अपना महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से, हिंदी में मैंने किया बीए। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ हिंदी लिटरेचर में। इन बच्चों को पढ़ाने का आपको कब से इस तरह का आया कि इस तरह के बच्चों का जो लॉकडाउन हो गया है देश में, तो बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, ये सब नहीं है, कहाँ से आया आपके अंदर प्रेरणा की पढ़ाना चाहिए? तो एक तो पहली प्रेरणा तो ये है कि मैं कॉलेज में भी एक प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाया करता था, तो इंटरेस्ट तो वहीं से था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ यहाँ पर, तो लॉकडाउन में मैं भी घर पर ही था, तो यहाँ पर मेरे एक दोस्त है जिनका नाम देव था, उन्होंने वो मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, तो इनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। तो उन्होंने कहा, तो हमने भी सोचा, मेरे मन में भी था पहले से कि पढ़ाना तो है ही बच्चों को, तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों के पास उस समय ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे, तो सभी बच्चों के पास यहाँ पर फ़ोन तो होता है नहीं, खैर किसी किसी के पास है भी, तो उसमें भी ठीक से क्लासेस नहीं हो पाते क्योंकि नेट का भी प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर, नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को पढ़ाया जाए, गाइड किया जाए, तो हमने फिर इसकी शुरुआत की और सोचा कि इनको पढ़ाना शुरू करते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बच्चे पढ़ने आए और अभी पढ़ रहे हैं, अभी तक भी पढ़ रहे हैं। अभी कितने बच्चे को आप लोग पढ़ा रहे हैं? अभी हमारे पास जो है कुल 250 के करीब बच्चे हैं, जिसमें नॉन गोइंग से लेकर लगभग लगभग 10th तक के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। नर्सरी केजी से लेकर सब। सुबह कितने बजे से क्लासेज आप लोग लगाते हैं? सुबह जो है हम लोग 8 बजे से पढ़ाना शुरू करते हैं और आखिरी बैच मैं ही पढ़ाता हूँ लगभग 2 बजे तक। हाँ, ये जैसे यहाँ पे किसी ने रोकने की कोशिश की, ये प्लाई भरा और यमुना डूब क्षेत्र में आप पढ़ा रहे हैं, तो आसपास के लोग किसी ने कभी कुछ कहा इस तरह का? नहीं, कोशिश तो सर बहुत हुई थी, डीडी ने भी रोका यहाँ पर हमें स्कूल बनाने से, लेकिन अब ये था कि बच्चों की पढ़ाई नुकसान हो रही, तो यहाँ के लोगों ने तो नहीं माना, कि लोगों ने तो बल्कि सपोर्ट किया, जिनके माँ बाप जिन बच्चों के माँ बाप जो हैं थोड़े, उनको लगता है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, थोड़े साक्षर भी हैं वो लोग और एजुकेशन को थोड़ा सा वो भी देते हैं, महत्व भी देते हैं, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया बल्कि हमें। और रोक तो केवल डीडी की तरफ से लगा था, जब हम लोगों ने यहाँ पर सोचा कि शेल्टर बना लें, क्योंकि इसके नीचे पढ़ते हैं तो बच्चे जब बारिश होता है तो फिर क्लास नहीं हो पाती है, हमने सोचा शेल्टर बना, जब शेल्टर बना रहे थे तब डीडी की तरफ से थोड़ा सा हमें परेशानी हुई थी, और उसके बाद फिर ज़्यादा तो परेशानी नहीं है, फिर तो ठीक से ठाक चल रहा है अब तक। माय नेम इज़ विनीता। किस क्लास में पढ़ती हूँ? 9th B। अभी कब से आप यहाँ पढ़ रही हैं? हम 2016 में यहाँ आए थे, थोड़े दिन बगिया में पढ़े थे वनपुल स्कूल में, फिर हम अंदर शहर में पढ़े थे। तो यहाँ कितने लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश, मैथ, साइंस, और अच्छी पढ़ाई होती है, सब समझ जाते हैं। हाँ।